रोजाना जिंदगी में हम सब मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, और अपने मोबाइल के बारे में हम सब ये भी जानते होते हैं कि एक बार चार्ज करने पर ये कितनी देर चलता है। लेकिन ये अंदाजा सफर करते समय हमेशा गलत साबित होता है, क्योंकि आम हालतों में जो मोबाइल फुल चार्ज करने पर पूरा दिन चलता है, वही मोबाइल कई बार सफर में बिना इस्तेमाल किए ही डाउन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सफर करते समय मोबाइल फोन जल्दी क्यों डाउन हो जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मोबाइल का मुख्य काम कॉल करना होता है, इसलिए मोबाइल हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, और जब कभी मोबाइल को नेटवर्क नहीं मिल रहा होता तब भी वो लगातार मोबाइल नेटवर्क की खोज कर रहा होता है, और इसीलिए किसी लंबे सफर के दौरान मोबाइल बिना चलाए ही जल्दी डाउन हो जाता है, क्योंकि तब मोबाइल हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद रेंज से बाहर हो जाता है और उसको हर बार नई रेंज ढूंढनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी पावर खर्च होती है और मोबाइल जल्दी डाउन हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है। अब अगर आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ से मिलती है और वो जगह आपके घर के पास है, तब आपका समय बचेगा और आप उस चीज़ को लाने में थकेंगे भी नहीं। आप झट से सीधा उस दुकान पर जाएंगे और चीज़ लेकर आ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आपको सारा बाजार घूमकर ढूंढनी पड़े तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आप ज़्यादा थकेंगे भी। और यही चीज़ सफ़र में मोबाइल के साथ होती है। जब हम घर में या फिर शहर में आसपास घूम रहे होते हैं, तब मोबाइल को फुल रेंज बिना किसी परेशानी के मिल रही होती है। लेकिन जब कभी हम गाड़ी बस में लंबे सफ़र पर निकलते हैं, तब मोबाइल को हर 5-5 मिनट बाद नेटवर्क के लिए नया टावर ढूंढना पड़ रहा होता है, जिसमें कई बार रेंज भी बहुत कम मिल रही होती है। इसलिए मोबाइल की काफ़ी पावर नेटवर्क ढूंढने में ही खर्च हो जाती है, और हम उसे देखकर यही सोचते हैं कि आज तो हमने मोबाइल चलाया ही नहीं तो फिर ये डाउन कैसे हो गया। सफ़र में मोबाइल के जल्दी डाउन होने का दूसरा कारण हाई ब्राइटनेस भी होता है, क्योंकि बाहर जाते समय हमने मोबाइल की ब्राइटनेस फुल कर रखी होती है, जो ज़्यादा पावर लेती है और मोबाइल को जल्दी डाउन करती है। तो ये थे मोबाइल के सफ़र में जल्दी डाउन होने के कारण। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।